देखिए खन खनाती आवाज आ रही है ना आपको, ये घर में बनाई हुई नमकीन है। जी हाँ, घर में आप बना सकते हैं ये शानदार नमकीन। आंटी ने पूरा डब्बा भर के बनाई है अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। आप भी बना सकते हैं इसको और बहुत आसानी से बना के एंजॉय कर सकते हैं, बेझिझक खा सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी अभी हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर रेसिपी। तो आंटी सबसे पहले हमने ये चना दाल भिगो रखी है। चना दाल मैंने 5-6 घंटे भिगो दी थी, पहले धो ली, उसके बाद भिगोई, उसमें 700 ग्राम में 1 चम्मच सोडा डाला। 700 ग्राम में 1 चम्मच सोडा, और ये थोड़ी सी उन्होंने निकाल रखी है क्योंकि वो जायका का तड़का में आपको इसकी रेसिपी दिखाने के लिए उन्होंने ये थोड़ी सी साइड में निकाली। अब क्या करेंगे, सोडा के बाद भी फिर से धो लेंगे इसको। अच्छा, और सोडा क्यों डालते हैं आंटी? वो सॉफ्ट होती है। अच्छा, बहुत ही मतलब कि खाने में क्रंची सॉफ्ट लगती है। हाँ हाँ, इसीलिए डालते हैं। तो देखिए क्रंची और सॉफ्ट बनेगी, और सोडा है इसलिए वापस से धो के हम लेके आते हैं। ओके, रेडी है हमारी ये चने की दाल। 5 से 6 घंटे इसको भिगोनी होती है। और इसको थोड़ा सा अगर आप सुखा ले, मतलब आधी घंटा, तो और अच्छी रहेगी। ओके हाँ, देखिए आधा घंटा आपको इसको चने की दाल को सुखाना है, इससे और अच्छी ये टेस्टी बनती है। और ये देखिए, ये वो कढ़ाई है जिसमें आंटी ने वो पूरा डब्बा भर के बनाया। ये मस्टर्ड ऑयल लिया है उन्होंने, सरसों का तेल। अरे इसको तेल को बहुत काफी गर्म ही रखना पड़ता है। अच्छा हाँ। तो आंटी सरसों के तेल में ही क्यों बनाते हैं इसको? अच्छा, 2 महीने तक चलेगी, कोई स्मेल नहीं होगी। अच्छा, तो देखिए 2 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं, अच्छे से चलेगी। तो अभी हम इसको सिकने देते हैं, हमारी दाल को यहाँ पे सिकने में टाइम लगता है। तो देखिए अब हमारी ये दाल हो गई है, अब हम इसे निकाल लेंगे। आंटी कैसे पता चलेगा? एक दाना लेके दबा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, तो देखिए मिक्स करने के लिए आंटी ने जो पूरा डब्बा भर के बनाई थी वो इस कढ़ाई में उन्होंने मिक्स करा था। अब उसी में हम हमारी दाल को निकाल लेंगे और सारी चीजें इसी में निकालेंगे ताकि हम मिक्सचर बना सकें। देखिए मैं दिखाती हूँ कैसे पता चले। ये देखिए, देखिए हाँ सॉफ्ट हो गई आंटी, टूट गई है ना, ये फूल जाती है। ओके, ये देखिए। और कौन सी फ्लेम पे इसको सेकना है आंटी? हाई फ्लेम पे, फुल हाई फ्लेम पे। ओके, फुल हाई फ्लेम पे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नमकीन की तरफ, हम बनाएंगे जो भुजिया हम आंटी बात कर रहे थे। यहाँ पर अब हम चलते हैं, बेसन लिया है हमने। आइसक्रीम सेव बनाएंगे। अच्छा, भुजिया। इसमें मैं नमक डालूंगी टेस्ट के अनुसार, लाल मिर्च और ये अजवाइन पीसी हुई है। ओके, ऐसे ही कच्ची पीस ली थी मैंने अजवाइन, यानी कि कैरम सीड्स, जिसको हमने ऐसे ही पीस लिया है। थोड़ा मैं हींग डालूंगी। ओके, थोड़ा सा गरम तेल डालेंगे आंटी। ये मैं थोड़ा ही है तो मैं 1 चम्मच तेल डालूंगी। अब मैं इसको पानी से सानूंगी, इसका डो लगा लूंगी। चलिए अब इसको, तो हमने गरम ही सरसों का तेल इसमें मिक्स करा है। अब इसका हम आटा लगाएंगे डो शेप में। खूब कड़ा भी नहीं, खूब सॉफ्ट भी नहीं, मतलब थोड़ा सॉफ्ट भी ठीक रहता है। तो देखिए ये आटा लग चुका है, ये देखिए सॉफ्ट ही है। ये देखिए। ओके, मैंने इसमें थोड़ा गिरिस कर लिया तेल। हाँ हाँ, अब मैं इसमें ये भर लूंगी। तो देखिए आप इसमें भर लेंगे, ये जो नमकीन मेकर ये मशीन आप किसी भी किचन स्टोर में अपने लोकल एरिया में जाके बोल सकते हैं कि भुजिया बनाने वाली, नमकीन बनाने वाली मशीन दे दीजिए। तो ये बंद हुआ, तो चलिए आप देखिए ये मशीन से आंटी निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और हमारी भुजिया भी यहाँ पे रेडी हो रही है, घर की बनी हुई। तो फटाफट आपको निकालना है क्योंकि तेल जो है ना बहुत गर्म है, सब कुछ हाई फ्लेम पे। इसको निकाल के इधर मिक्स कर देंगे अब हम हमारे चने में। तो देखिए अब ये बाकी के कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे आंटी? ये मैंने काजू के 2 टुकड़े कर लिए। हाँ हाँ, अरे ड्राई नारियल है ये मैंने काट लिया,
ये बादाम के भी मैंने दो दो पीस कर लिए ओके okay. क्योंकि पूरे रहने से वो सिकते भी देरी से और फिर कड़े भी रहते हैं और ये थोड़े से मैंने चिवड़े मतलब पोहे लिए और ये मूंगफली मूंगफली लिए ओके okay. और आप चाहे तो और भी कुछ डाल सकते हैं कुछ भी लेकिन मैं यही डाल रही हूँ। तो चलिए तेल हमारा गर्म ही है यहाँ पर, ये मैं इसमें पहले नारियल डाल दूंगी। नारियल बहुत जल्दी सिक जाता है। तो देखिए नारियल अगर गरम तेल है तो बहुत जल्दी होते। अब नारियल को इसमें मिक्स करेंगे, ऐसे कर करके एक एक चीज हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। अब हम बादाम डाल देंगे। बादाम भी जल्दी ही हो जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, सरसों का तेल आपको यहाँ पे यूज करना है। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं विद द लवली मॉम मंजू सराफ आंटी की किचन में। आंटी, नमकीन तो आपके घर में बहुत पसंद करी जाती है ना? मैं बहुत सी घर में ही बनाती हूं सारी। हाँ, और रेसिपीज आंटी की जैसा कि आप जानते हैं बहुत आसान होती है, बहुत अच्छे से आंटी बनाती है सिंपलीफाई करके। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब हम काजू भी गरम तेल में डालेंगे। देखिए रियल लाइफ रेसिपीज हैं, आंटी ने पूरा डब्बा भर के बनाया। उन रिक्वेस्ट करने पे आंटी अब हमें थोड़ा सा ये उसी वक्त बना के दिखा रही हैं ताकि हमें हम लोगों को भी आइडिया लग जाए। कोई स्टूडियो नहीं है, कोई शो नहीं है, आपको बना के दिखा रहे हैं रियल घरों में जो बनती हैं ये एक्चुअल रेसिपीज जो सब खाते हैं शौक से, वो आज आंटी यहाँ बना के दिखा रही हैं। अब हम इसमें मूंगफली डालेंगे हमारी। अगर तेल गरम है ना तो आंटी फटाफट बन जाती है ये सब चीजें, तो फटाफट बनती है, खाली दाल फ्राई होने में थोड़ी टाइम। हाँ, ये सब चीजों में टाइम नहीं लगती। मेरे हिसाब से पहले दाल ही फ्राई करें। दाल ही फ्राई करें? हाँ, हाँ। ज्यादा तेल में ज्यादा ज्यादा गिर जाती है। हाँ। मैं पहले दाल ही फ्राई करती हूँ। अच्छा, फिर सेव करती हूँ, फिर ये सब करती। फिर ये सब करते। देखिए फटाफट अब हमारी मूंगफली भी होने वाली है। तो देखिए मूंगफली भी हो चुकी है, मूंगफली को भी अब इसमें निकाल देंगे हमारे मिक्सचर में। ये बन रहा है घर का नवरत्न मिक्सचर आप कह सकते हैं। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ऑलरेडी। देखिए ये पोहा डाल दिया, अब ये पोहा डाल दिया, पोहे को भी फ्राई करा है। गर्म है हमारा तेल, फुल हमारी गैस रहेगी, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको सेकिएगा। फटाफट सिकते हैं ये। तो देखिए हमारे पोहे भी फ्राई हो गए हैं, फटाफट होते हैं ये, 10 सेकंड का काम है ये सब। और इसको भी अब हम इस हमारे मिक्सचर में निकाल देंगे। तो देखिए गैस को बंद कर दिया है हमने। अब ये थोड़े से कड़ी पत्ते डालेंगे। कड़ी पत्ते का आंटी स्वाद बहुत अच्छा आता है। अच्छा आंटी, इसमें नमक डालने की जरूरत नहीं है हमें? इसमें ना मसाले डालूंगी मैं पूरे। अच्छा, अभी डालेंगे हम सारे मसाले, खाली नमक नहीं। अच्छा, नमक ही नहीं डालेंगे? नहीं, सब कुछ डालूंगी। और अच्छा, मसाले भी डालेंगे। ओके, देखिए क्वांटिटी सब अपने हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं। देखिए आपको दाल ज्यादा चाहिए, बादाम ज्यादा चाहिए, काजू पोहा आप अपने हिसाब से बना लीजिए यहाँ पर। ये देखिए मैं थोड़ा ये नमक टेस्ट के अनुसार ले, आप जैसा भी खाते हो। ये ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, ये लाल मिर्च है और ये काली मिर्च, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये अमचूर पाउडर। इसमें मसाले सारे जाते हैं। आंटी ये क्या डाला है आपने लास्ट में अमचूर पाउडर के बाद? गरम मसाला। गरम मसाला, अब बस ये तैयार है। तो आंटी मेरा क्वेश्चन था, अगर हम 700 ग्राम दाल लेंगे तो हम कितना हमें बेसन लेना चाहिए? बेसन 400 से 500 ग्राम। अच्छा, और फिर हमें काजू बादाम वो सब टेस्ट के अनुसार 100 ग्राम लिए मैंने। 100 ग्राम लिए। पोहा भी? पोहा भी 100 से 150 ग्राम होगा। 100 से 150 ग्राम। मूंगफली भी 100 ग्राम। मतलब बेसिकली आप नॉर्मली 1 से 2 किलो देखिए यहाँ पे बन जाएगी अब आपकी। और देखिए खन खन आवाज आपके लिए रेडी हो चुकी है घर की बनी हुई मिक्सचर। ये देखिए इसमें परफेक्ट चीज है पूरी, मैंने रखी थी तो कम बेसिक हो गई है थोड़ी।
तो देखिए अब ये वाली आंटी चॉइस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पूरा डब्बा आंटी को हमने आपको शुरू में दिखाया था, अब आंटी ने ये हमें वीडियो में बना के दिखाया है आपके लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो दिखता है वो ही बनता है, जायका का तड़का में। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, 2 महीने तक खराब नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी, और ये गारंटी है। और जो दिखता है ना वही आपकी किचन में भी बनेगा। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। जायका का तड़का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोबारा, बाय बाय एवरीवन।